तो व्यूअर्स, मनी बैग गारंटी के बहुत ही अच्छे करेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और देखकर तो पता चल गया है और मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मानी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप कैसे हैं? एक्साइटेड? हाँ, एक्साइटेड हूँ क्योंकि फिल्म 4 साल से बन रही थी तो अब ये बिलाखर आ रही है। 4 साल पहले ये बनी थी क्योंकि बीच में कोविड आ गया था। 3 साल तो कोविड ही रहा। तो अब हमें टाइम अच्छा मिल गया है। ईद है, ये वाहिद बड़ी फिल्म है जो आ रही है। Okay. तो अच्छी चीज है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इस फिल्म में काम करके? और सारे लोगों को मैं जानता हूँ, सब दोस्त ही हैं अपने, सबके साथ अच्छा ताल्लुक भी है, दोस्ती भी। फैसल कोशी के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो मज़ा आया काम करके, अच्छा लगा। अच्छा। और फनी फिल्म है, मज़े की फिल्म है मेरी, जो कि 3-4 फिल्में मैंने कर ली हैं अब तक। तो ये फिल्म सबसे डिफरेंट है, सबसे बड़ी भी है कास्ट वाइज और जो पैसे लगे हुए हैं उस टाइम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें बड़ी अच्छी कास्ट है, फवाद भी हैं इसमें और बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जो बहुत मतलब फेमस और नॉन पर्सनालिटीज़ हैं, तो उनको हम देख रहे हैं कि इस फिल्म में पहले करेक्टर कुछ और था। अगर बात करें फवाद की तो मौला जट उन्होंने की, बड़ा सीरियस करेक्टर था। अभी जो है वो बिल्कुल हट के अपोजिट करेक्टर किया है उन्होंने। तो आपका क्या उसके बारे में फीडबैक है फवाद के बारे में कि कैसा रहा उनका ये? अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, सिर्फ स्टार नहीं है। आपको कैसा लगा काम करके मतलब इस करेक्टर? मुझे मज़ा आया, जाहिर सी बात है क्योंकि हम क्या नाम है काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो अच्छा लगा, मज़ा आया। और उन्होंने कॉमेडी शायद पहली फिल्म की है, लेकिन उनका जो ड्रामा था जिससे वो मशहूर हुए थे जट एंड बॉन्ड, वो कॉमेडी था। तो कॉमेडी की है फवाद ने, ऐसी बात नहीं की। और मुझे पता है उनका पोटेंशियल कॉमेडी में बहुत अच्छा है और वो प्रेफर भी कॉमेडी करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली वो सुपरस्टार बन गए तो उनको वो रवायात को फॉलो करना पड़ता है, वो फिल्में करनी पड़ती हैं, लेकिन ये फिल्म उनके मतलब की है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं मनी बैग गारंटी का? लुक लाइक यू नो, लुक लाइक हॉलीवुड मूवी। हां, बड़ी फिल्म है। मनी हीस्ट आई थी तो लाइक मनी आइस जो आई थी वो इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने देखी भी है। अच्छा, भी नहीं है। लेकिन ये है कि मनी आइस को इसलिए लोग बोलते हैं कि हाइस्ट मूवी होती है तो मनी हाइस ही दिमाग में आती है, सही है ना? आपको ड्रग की मूवी आएगी तो लोग ब्रेकिंग बैड से मिला रहे होंगे उसको। Okay. तो ऐसा नहीं होता, तो वो हमारी रेफरेंसेज होते हैं। लेकिन ये है कि फिल्म अच्छी चलेगी, 800 सिनेमाज में और ऑल ओवर द वर्ल्ड लग रही है। इस वक्त पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी पहली फिल्म है जो इतने सिनेमाज में लग रही है। 800 सिनेमाज में कोई फिल्म नहीं लगी पाकिस्तान। अच्छा, थकते नहीं है इतने इंटरव्यूज दे दे के दे दे कर दे दे? नहीं, मेरा काम ही है, मैं खुद ही इंटरव्यूज ले रहा होता हूं, तो मेरा ये इजी। ओके, वॉइस ऑफ नेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग अच्छा काम करें और मजीद काम करते रहें, मजीद मेहनत करें, मजीद इनोवेटिव काम करें, अच्छा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।